हेलो बच्चों, आज हम क्लास सिक्स का हिंदी का बचपन पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पाठ से मालूम करके लिखो। उत्तर देखते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में उनके स्वभाव अनुसार अनेक बदलाव आए। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी मतलब पर्पल कलर, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ता पहनने लगी। अब उम्र बढ़ने के साथ उनके खाने पीने में भी बदलाव हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती हैं? इसका उत्तर है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका उनके और अभी के समय में अंतर स्पष्ट करती हैं। उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था, परंतु आज रेडियो और टेलीविज़न ने इसकी जगह ले ली है। ग्रामोफोन एक सॉन्ग सुनने का इंस्ट्रूमेंट होता था पहले पुराने ज़माने में, और टेलीविज़न मतलब टीवी या एलईडी वगैरह जो आप यूज़ करते हैं। और क्या अंतर बताती हैं सुनिए। पहले की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसे की जगह पेटीज़ ने ले ली है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोक पेप्सी ने ले लिया है। शहतूत, फालसे और खसखस एक तरह के फ्रूट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उत्तर देखते हैं, लेखिका बचपन में चॉकलेट और चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण मज़ा ले लेकर खाती थी। रसभरी, कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। लेखिका को बचपन में रात को अपने बिस्तर पर चॉकलेट खाना बहुत पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। आइए उत्तर देखें। लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया था, इसलिए वह कुछ अजीब सी लग रही थी। उन्हें खुद भी अटपटा सा लग रहा था, इस कारण उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे। भाषा की बात सेक्शन से अब हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। आंसर देखते हैं। चमकना से भाववाचक संज्ञा क्या बन रही है? चमक। भागना से भाग, बदलना से बदल, खरीदना से खरीद, ओढ़ना से ओढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांटकर लिखो और उनके हिंदी अर्थ जानो। उत्तर कुछ इस प्रकार है, फ्रॉक लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला, फ्रॉक तो सारी लड़कियां तो जानती ही होंगी, स्कर्ट लड़कियों के पहनने का घेरदार घाघरा, चॉकलेटी यानी भूरा को दूसरा नाम होता है ब्राउन कलर आप कह सकते हो, लेमन कलर नींबू जैसा रंग, ट्यूनिक ढीला पोशाक, पॉलिश जूतों को चमकाने के लिए आती है, जूते यानी कि शूज़, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल रेड़ का तेल, ग्रामोफोन गाने सुनने का यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट, टेलीविज़न दूरदर्शन, आइसक्रीम कुल्फ़ी जैसी चीज़, पेटीज़ कचौड़ी जैसी, ब्राउन ब्रेड भूरे रंग का पाव, चेस्टनट अखरोट का फल, अखरोट को वॉलनट कहते हैं इंग्लिश में वैसे, कन्फेक्शनरी काउंटर मिठाई की दुकान का काउंटर, स्पीड यानी कि गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। विशेषण जिससे हमें संज्ञा की विशेषता के बारे में पता चलता है, संज्ञा माने नाउन, नाउन की स्पेशलिटी के बारे में पता चलता है, उसे विशेषण कहते हैं। पहला है क, मुझे दो दर्जन केले चाहिए।
इसमें दो दर्जन निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा है 2 किलो अनाज दे दो, इसमें 2 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ग, कुछ बच्चे आ रहे हैं, इसमें कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। घ, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण है। ड देखते हैं, सभी लोग हंस रहे थे, सभी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। च है, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, बहुत गुणवाचक विशेषण है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित अंकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छाँट कर लिखो। आइए उत्तर देखें। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी। दूसरा वाक्य है, बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। थर्ड है, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। फोर्थ है, कुछ एकदम लाल कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। इसका उत्तर है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे व स्टॉकिंग्स को धोने और अपने जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट की और कौन सी क्लास की वीडियोस चाहिए।